दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। एक और अच्छी एक गुड न्यूज आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं अपने यहाँ पर। आप समझ लो सर, इतने नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं, मुझे इतने मैसेज आते हैं सर, इतने नोटिफिकेशन क्यों आ रहे हैं। मैं बता दूं, अगले साल चुनाव है भाई, जो जॉब लग गया इस बार। अगले साल भी आएंगी वैकेंसीज, लेकिन उतनी नहीं आएगी जितनी अभी आ रही है। अभी भर भर के आएगी नोटिफिकेशन। आप देख लो यहाँ पे आपको आईबी का भी मिलेगा, सबका मिलेगा। अभी फिलहाल में आपको मिला है यहाँ पे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। क्या होता है भाई, आपने देखा है ना, जो सामान होते हैं, जो एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज होती है, मान लो किसी भी चीज, वेयर हाउस का मतलब क्या होता है भाई, गोदाम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेंट्रल वेयर हाउसिंग, जो यहाँ पे एक तरीके से इसकी जो वैकेंसीज आई है ना, ये आपके लिए बहुत यहाँ पर सही होगी कॉरपोरेशन की। अब देखो यहाँ पर 1957 में इसकी स्थापना होती है भाई, 1957 में इसकी स्थापना होती है। जैसे एआई था ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सरकारी नौकरी है क्या है यहाँ पर, मिनी रत्ना कंपनी है। देखो मिनी रत्ना, महारत्न, नवरत्न होती है ना कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे लगा रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे सुविधाएं मिलती है, क्वार्टर मिलता है, पेंशन तो वैसे नहीं मिलती, लेकिन आपका दूसरा वाला पेंशन स्कीम न्यू एनपीएस वहां पे लगता है। ओके, यहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। और एक जॉब आपके लिए इसमें से लेके आया हूं मैं, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। यहाँ पे देखो वेयर हाउसिंग फॉर एवरीवन, इनका जो मोटो है वो अलग है। अब यहाँ पे समझना आपके लिए कौन सी पोस्ट है भाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये आपके लिए नहीं, अकाउंटेंट का आप भर सकते हो, 24 है, अकाउंटेंट का फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटेंट का भी बता दूंगा आपको, और आपको ये भी बता दूंगा यहाँ पर कि ये 24 वैकेंसीज है, इसमें एग्जाम क्या क्या होगा। 30 साल इसमें एज मांगी हुई है भाई, लिख लेना। और दूसरा जो हमारा पद है, इसमें 11 पद हैं, जो कि आपका है सुपरिटेंडेंट जनरल, जो कि यहाँ पर 30 ईयर दोनों का है सुपरिटेंडेंट भाई, बहुत बढ़िया नौकरी है उनके लिए जो मास्टर्स कर चुके हैं। ये हो गया आपका 30 साल, ये हो गया यहाँ पे आपका 30 साल। अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब CWC ने यहाँ पर इन सभी के क्या करें, एक तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट करे हैं। सुपरिटेंडेंट जनरल के दो पोस्ट और एक्स्ट्रा है, जो कि यहाँ पर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए है। 30 साल के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो दो पोस्ट और है, तो यहाँ पे ज्यादा पोस्ट हो गई, और JTA के 10 और मिला लो, और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। आप देखो यहां पर ये सुपरिटेंडेंट है, दो पोस्ट इसमें रिजर्व है, किस चीज के लिए, पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो नॉर्मल है। ये EWS का, EWS का आपको पता है आकर, आपका देखो यहां पर 100 गज से कम में है तो ये आपका माना जाएगा, और ये सब चीजें हैं। अब यहां पर देख लो, मिनिमम एज टू अप्लाई फॉर द पोस्ट 18 साल आपकी न्यूनतम एज होनी चाहिए। अब फॉर द पोस्ट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन एडिशन टू बेसिक पे सैलरी, यहाँ पे आपको सारा कुछ दे रखा है भाई, सारी की सारी आपको सरकारी नौकरी के हिसाब से मिलेगी। ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पे आपको सरकारी के अलावा कुछ और। आप यहाँ पर वो भी भर सकते हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, आप अपने डिसेबिलिटीज के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपकी डिसेबिलिटी किसके अंतर्गत आती है, वो यहाँ पे आप इसमें भर सकते हो। देखो ये दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट मार लो उसका और यहाँ पे आप चेक कर लेना। अब यहाँ पे समझो विजुअली हैंडीकैप है तो ओके अब यहाँ पे देखो भाई, ये है एक्स सर्विसमैन के लिए 12 पोस्ट है, और यहाँ पे मतलब ये है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की, सुपरिटेंडेंट की, तो यहाँ पर आप देखोगे चाहे वो आपका यहाँ पे अकाउंटेंट हो चाहे सुपरिटेंडेंट हो, भाई सैलरी अच्छी होती है इनकी बहुत, इसीलिए ये लोग इंटरव्यू भी लेते हैं। देखो यहाँ पर तरीका कौन कौन सा है, आप यहाँ पे समझो अब इस चीज को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, यहां पे अच्छे से समझना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किस किस चीजों की, हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, सुपरिंटेंडेंट की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट और सुपरिंटेंडेंट में एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, अब टेस्ट क्या होगा वो भी बता दूंगा आपको। DV होगा और आपका यहां पर इंटरव्यू होगा, DV के टाइम ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा, ये आपको मैं सारा का सारा बताऊंगा। ओके, अकाउंटेंट और सुपरिटेंडेंट में जिसकी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये वैसे भी वही है सेम प्रोसेस, इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा है नहीं कि आपको लगेगा। अब देखो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भाई 26 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक है। ठीक है, पेमेंट कब तक दे सकते हो आप, 26 से लेकर 24 तक ही दे सकते हो। आपका एग्जामिनेशन आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन यानी कि टेंटेटिव डेट्स आपको बाद में बताई जाएंगी, और कॉल लेटर ये सब आपका जो आएगा इंटरव्यू के लिए आपको सारा बाद में। ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने बोला है कि भाई आप अपनी CWC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कमीशन के जो कॉरपोरेशन है उसकी वेबसाइट को आपने डे बाय डे या फिर उनको चेक करते रहना है।
ओके अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वहां पे आपको बताएगा, 30 साल आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पे तो ये सब चीजें हैं आपको पता है। अब देखो यहाँ पे भाई क्या क्या चाहिए होता है, आपके काम ही आएगा, आपके काम नहीं आएगा तो आपके भाई बहन के काम आएगा, बता देना उनको जाकर। ओके ये है अकाउंटेंट, आपका बीकॉम और बीए, बीए भी कॉमर्स में होता है, और का मतलब या होता है, सीए और सी कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट और एसएएस अकाउंटेंट ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट विद अबाउट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई बीकॉम और बीए यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस 3 साल का भी चाहिए। अब ये देखो सुपरिटेंडेंट जर्नल, ओके ये है आपका, और है ना यहाँ पे ये आपका बीए बीकॉम हो, आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है अगर यहाँ पे अकाउंट्स अकाउंट इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हो। सुपरिटेंडेंट जर्नल भाई पीजी डिग्री चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ पीजी डिग्री चाहिए, कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है एमए एमकॉम एमबीए, एमए एमकॉम एमबीए, चाहे आपने क्या कराओ एमएससी कराओ, चाहे आपने एमटेक कराओ, चाहे आपने एमई कराओ, आपकी कोई सी भी है अगर एमएससी एमएससी जो भी है मास्टर डिग्री, वो सभी लोग इस फॉर्म को भर देना। ओके अब यहाँ पे देखो सुपरिटेंडेंट सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है वही इन्होंने दोबारा से बता रखा है। अब यहाँ पे ना ये देखो, ये किसी को अगर लग रहा होगा रिलैक्सेशन तो सेम वही है गवर्नमेंट वाला, ठीक है ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, ओके और स्पोर्ट्स का भी है थोड़ा बहुत इसमें। अब यहाँ पे आप देखो एक्सर्विस मैन, मैंने आपको बता दिया था भाई, जिसने 14 साल की जो सर्विस है वो पूरी कर ली होगी वो आता है एक्सर्विस मैन के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखो, और उसने वॉलंटरी रिटायरमेंट का वाला तो नहीं आएगा, ठीक है विजन का आप दे सकते हो भाई, इसमें चलेगा विजन आपके जैसा जैसा भी है आप लोग भर सकते हो, मेरे से बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ये कैसे करना है। ओके अब यहाँ पे समझना, ठीक है ये आपका गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट विद लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, ये भी आपको सेरिब्रल पाल्सी भी आपको पता है। अब यहाँ पे देखो दूसरी चीज, अकाउंटेंट में क्या चाहिए भाई, अकाउंटेंट में आप ध्यान देना, रीजनिंग सॉरी अकाउंटेंट में आपकी रीजनिंग चाहिए, ये देखो अकाउंटेंट में आपका यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर आएगा भाई, 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, 45 मिनट का सेपरेटली आपको टाइम मिलेगा, इसमें सेक्शनल टाइमिंग भी है। सबसे पहले आपका फिर आपका इंग्लिश आएगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, डाटा डीआई और क्वांट सेम ही है 40 और 40 मैक्सिमम मार्क्स है, जनरल अवेयरनेस भाई 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन, ओके प्रोफेशनल नॉलेज भाई ये आपका किससे आएगा, पूरा का पूरा अकाउंटिंग ऑडिटिंग से रिलेटेड है, ये आपका 65 हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ये आपको यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग देगा, 3 घंटे का पेपर है, 200 आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सुपरिंटेंडेंट जर्नल की, यहाँ पे देखो सुपरिंटेंडेंट जर्नल है भाई, सॉरी ठीक है सॉरी 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 ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट जर्नल भाई, रीजनिंग कंप्यूटर 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, क्वाइंट के 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 2 घंटे 30 मिनट, सेक्शनल टाइमिंग बहुत सही दे रही है, रीजनिंग के लिए 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट, इंग्लिश के लिए 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट बहुत है, रीजनिंग यानी कि क्वांट के लिए आपके 50 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 50 और 45 मिनट का टाइमिंग आपको दे रखा, बहुत बढ़िया है। रीजनिंग और कंप्यूटर आपका 50 मिनट का है, यहाँ पे इन्होंने ज्यादा दे दिया मुझे लगता है, जनरल अवेयरनेस 50 50 का 25 मिनट, बहुत बढ़िया भाई 50 क्वेश्चन करने के लिए 25 मिनट जीएम है, बहुत बढ़िया है। तो सेम एसएससी पैटर्न है, सेम एसएससी पैटर्न है भाई, फॉर्म भर लेना, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2.5 घंटे का टाइम आपको दे रखा है, सेम जिसका भी एम कॉम है इसको भर लो, ठीक है एम कॉम एमएससी एम कॉम एमएससी एमए एमटेक एमबीए भाई सारे मास्टर्स वाले भर देना, 30 साल एज होनी चाहिए बस। ओके अब समझ में आ गया चीजें आपको, मैं सिलेबस इसका बता दूंगा, सिलेबस बताने में कोई दिक्कत है नहीं, सिलेबस इसका सेम आपका कैसा रहेगा एसएससी वाला रहेगा, ठीक है बाकी अगर आप नीचे देखोगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम आप जो एसएससी वाला पढ़ते हो। देखो यहाँ पे ये देखो, ये आपका ऑडिटिंग टैक्सेशन, ठीक है ये आपका यहाँ पे अकाउंटिंग अकाउंटेंट का, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा 35 मार्क्स की, ऑडिटिंग 10 मार्क्स का आएगा, और यहाँ पे और भी देखा उन्होंने ऑडिटिंग 10 मार्क्स की, टैक्सेशन 20 मार्क्स का, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो इनका 65 नंबर हो जाएगा, ये आपका टेक्निकल असिस्टेंट का है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, ठीक है क्या है
द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड वेरियस जगहों पे करा जाएगा। बेसिकली आप समझ लो अपने स्टेट का, अपने स्टेट के आप ये तो बोल सकते हो कि कैपिटल में तो होगा ही होगा। ओके, तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। और 1/3 यानी कि आप जो सुपरिटेंडेंट है जो भी है, इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट से लेकर 5 बच्चों को बुलाया जाएगा, बाय 1/5 का रहेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। प्रोफेशनल नॉलेज जो भी है आपकी, यहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, इज अफ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आप, सबसे ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ मिनिमम स्कोर। आपको हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। ओके, टोटल स्कोर आपसे अलग से शॉर्टलिस्टेड होगा, फिर मिनिमम स्कोर क्वालिफाई करना है आपको सब में। यहाँ पे कितना है, 60% आपको आपके एग्जाम में लाने पड़ेंगे, ये जरूरी है। सेक्शनल भी 60 आपको लाने ही पड़ेंगे, शॉर्टलिस्टेड भले बाद में होगा वो, और बाद में लगेगी पूरी की पूरी कट ऑफ, लेकिन 60% आपको लाने हैं। ओके, ये आपका स्कोर है जो कि आपको बाद में पता चलेगा। इंटरव्यू होना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक ही दिन में हो जाएगा, सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी। अब यहाँ पे इंटरव्यू के 100 मार्क्स हैं और आपको द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी 50%। आपको 50%, आपको 200 में से 50 नंबर तो लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस को 45, ओबीसी को 40, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली इनका वही है, ठीक है, 40%। 50% किसके लिए, अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, 45 है ओबीसी के लिए, ठीक है, बाकी के लिए 40 है। अब यहाँ पे देखो आपके वेटेज ऑनलाइन एग्जाम का 85 और इंटरव्यू का 15 है। जैसे मान लो सुपरिटेंडेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट की अगर आप बात करोगे तो 200 क्वेश्चन, ठीक है, और 200 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू 100 नंबर का। अब इसको ना 100 के रेशियो में काट दो, 300 को आप यहाँ पे ये काट दो कि आप 100 के रेशियो में इसको बांट दो। इसमें आपके जितने आए होंगे, इसमें आपके जितने आए होंगे, इसको 85/15 के रेशियो में कर दो, वो आपका यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। क्या है वेटेज, ये आपका पूरा का पूरा वेटेज आएगा, और आपकी 300 में से मेरिट लिस्ट लगेगी लास्ट में, 300 में से मेरिट लिस्ट, इसके मार्क्स और इसके मार्क्स का आपका पूरा का पूरा, इससे इसके मार्क्स का आपसे ये बोल दीजिए 85%, मतलब पूरे के 100, ये पूरा 300 100 है, इसमें से जितने आए होंगे आपके 85%, इसमें जितने आए होंगे आपके 15%, ये आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। 85/15 का यहाँ पे क्या है, एक तरीके से रेशियो है। सेम अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको नॉर्मल से चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अब इनको वो बता दिया। अब मैं ना यहाँ पे आपको चीजें बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। भाई सिलेबस में आप क्या करोगे, सिलेबस में आप ध्यान देना, सिलेबस में आप लोग यहाँ पे ध्यान देना कि भाई आपका क्वांट है, क्वांट में आपका डीआई भी है, ये याद रखना आप अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे आपका जीए है, यहाँ पे आपका रीजनिंग है, यहाँ पे आपका इंग्लिश है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे क्वांट और डीआई में बैंकिंग एंड एसएससी वाला दोनों कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जीए हमारी जिम्मेदारी है, कंप्यूटर में आपका नॉर्मल हो जाएगा, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। रीजनिंग और इंग्लिश भी आप एसएससी वाली कर लोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। 200 मार्क्स का है जहां पे जितना भी, मतलब मैंने आपको बताया ऊपर, ठीक है। अगर आपको तैयारी करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना आप जाना, यहाँ पे एक गूगल फॉर्म होगा, वहां पे आपको गूगल फॉर्म भरना है, क्या आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, इस पद में चयनित होना चाहते हैं, तो आप वो गूगल फॉर्म भर देना। गूगल फॉर्म भरने के बाद हम लोग देखेंगे कितने रिस्पॉन्स आए, उसी हिसाब से हम लोग नया बैच लॉन्च करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इस पद में चयनित होना चाहते हैं तो। ओके, तो ये है आज का वीडियो, आपके भले के लिए है। आपको सोचना है कि ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, जो बाकी चीजें हैं आपको धीरे धीरे हम लोग इस वीडियो के तहत आगे जो आने वाली वीडियो है उसमें आपको बता देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप देखोगे तो वहां पे आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपने जरूर भरना है। ओके, तो मिलते हैं हमारे तब तक के अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद सभी को।